हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मिंट एनालिसिस फॉर 4 अप्रैल 2022। आज की हाईलाइट में हम बात कर सकते हैं यूक्रेन क्राइसिस की और वो कैसे इम्पैक्ट कर रहा है इंडिया की ग्रोथ को। तो इसका एक बहुत डिटेल्ड एनालिसिस मैंने ऑलरेडी बना दिया है और पोस्ट कर दिया है, वो आप देख सकते हैं। आपके पास लिंक भी आ रहा होगा टॉप राइट कॉर्नर में, और अगर आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं तो आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शॉर्ट में कवर कर देती हूँ कि वॉर ने कैसे इम्पैक्ट किया है ऑयल प्राइसेस को। तो क्योंकि ऑयल प्राइसेस बढ़ गए हैं जिसकी वजह से हमें कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है, और इन्फ्लेशन भी दो टाइप के होते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे क्रूड ऑयल पे इफेक्ट पड़ा है, सप्लाई हैम्पर हुई है, इसकी वजह से इसको हम बोल रहे हैं कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है। दूसरा इन्फ्लेशन होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, उसकी डिटेल्स भी अगर आपको देखनी है तो आप वीडियो में देख सकते हो। तो ऑयल प्राइसेस हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, और इसके अलावा इंडिया का जो एडिबल ऑयल है जो वो इम्पोर्ट किया करता था वो और ज़्यादा महंगा हो गया है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि सनफ्लावर ऑयल के जो प्राइसेस हैं वो भी बढ़ चुके हैं। इसके अलावा ग्लोबल सप्लाई चेन पे कहाँ कहाँ पे इफेक्ट पड़ा है। एक तो वीट पे इफेक्ट पड़ा है, काफ़ी सारी जो नेशंस थे जो रशिया और यूक्रेन से इंपोर्ट किया करते थे वो अब वहाँ से इंपोर्ट नहीं कर पा रहे, तो वीट एक पहली कमोडिटी हो गई। दूसरी है फर्टिलाइजर्स। तो ये जो कमोडिटी है फर्टिलाइजर्स, ये भी रशिया, बेलारूस और यूक्रेन जो है एक्सपोर्ट किया करते थे, और क्योंकि अब ये एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं सैंक्शन की वजह से और प्रॉब्लम्स की वजह से, तो इसलिए फर्टिलाइजर की कॉस्ट जो है वो बढ़ गई है मोर देन 50%। तीसरी है सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज। वो इसलिए हो गई है क्योंकि यूक्रेन जो है नियॉन सप्लाई किया करता था, जिसकी वजह से जो है सेमीकंडक्टर्स बना करती थी, तो इसीलिए इस पे भी इफेक्ट हुआ है। ये तीन कमोडिटीज हमने देख ली। नेक्स्ट इज कि इम्पैक्ट कैसे पड़ा इंडियन इकोनॉमी पे। तो इंडिया जो है वो नेट इम्पोर्टर था फर्टिलाइजर का, तो अगर वो उसकी कॉस्ट बढ़ गई है तो इंडिया को जो है और ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। और ये जो फर्टिलाइजर्स हैं ये फार्मर्स को सब्सिडाइज रेट पे प्रोवाइड करते थे, तो सब्सिडी तो इनको अभी भी देनी पड़ेगी चाहे फर्टिलाइजर जितना मर्जी महंगा हो जाए। तो इसकी वजह से जो गवर्नमेंट की पॉकेट पे प्रेशर पड़ रहा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, उनके एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, ये हमें देखने को मिल रहा है। इसके अलावा तीसरी चीज़ है कंज्यूमर डिमांड। तो कंज्यूमर डिमांड अभी पूरी तरीके से पिकअप नहीं हुई थी, तो इसकी वजह से क्या है, अब कॉस्ट तो बढ़ रही है, कंज्यूमर डिमांड पिकअप नहीं हुई है, तो कंपनीज जो है प्राइसेस राइज नहीं कर सकते। अगर वो राइज करेंगे तो बहुत सारे कंज्यूमर्स उनके चले जाएंगे, तो उसकी वजह से उनके मार्जिन्स पे प्रेशर बनता हुआ दिख रहा है। अब इसके बाद नेक्स्ट, इन्फ्लेशन हम मैनेज कैसे करें। तो इसमें बताया जा रहा है कि मॉनेटरी पॉलिसीज से तो ऐसा काम नहीं हो पाएगा, इसीलिए गवर्नमेंट को स्टेप इन करना पड़ेगा, फिस्कल पॉलिसीज लेके आनी पड़ेगी, उसी से जो है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन मैनेज किया जा सकता है, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसीज किसके लिए बेटर होती है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन के लिए। फिफ्थ इज हमारे लॉन्ग टर्म लेसन क्या है। तो पहला हमने देखा कि हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे रशिया के ऊपर डिफेंस इक्विपमेंट्स में। दूसरा हमने देखा सेमीकंडक्टर्स के लिए भी हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे बाहर की कंट्रीज पे। फर्टिलाइजर में हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे, और हमारी जो ऑयल डिमांड है वो बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि हमें अगर ये सब कुछ इम्पोर्ट ही करना है ये सारा ऑयल, तो हमें थोड़ी सी ऑयल पे डिपेंडेंसी कम करनी पड़ेगी। तो इसके लिए बहुत सारी PLI स्कीम लेके आई है, बजट में काफ़ी सारे पॉइंट्स गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है, अगर आपको उसकी डिटेल्स देखनी है तो आप दूसरी वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो ये तो थी हाईलाइट। अब मेन न्यूज़ में आते हैं, लेंडर्स टैप बायर्स फॉर फ्यूचर्स एसेट्स। तो हमने अभी देखा था कि फ्यूचर रिटेल के जो कुछ 1050 रिटेल आउटलेट्स थे जो रिलायंस ने ले लिए थे, कि क्योंकि फ्यूचर रिटेल ने अपना पे नहीं कर पाई ड्यूज, तो इसलिए रिलायंस ने जो है वो वापस ले लिए थे उनसे, यानी कि अब जो वो स्टोर्स हैं वो रिलायंस को बिलोंग करते थे। तो वो कोशिश कर रहे हैं कि वो एटलीस्ट जो अंदर का सामान है वो अपने पास ही रखें उसका राइट, और रिलायंस को मजबूर करें कि आप ये स्टोर्स जो है खोल दो और बिग बाजार को चलते रहने दो, ताकि वो अपना अमाउंट जो है रिकवर कर सके। तो ये बात हो रही है। नेक्स्ट इज इंडिया रेडी टू हेल्प नेशन फेसिंग फूड ग्रेन शॉर्टेजेस। तो हमने हाईलाइट में भी देखा था कि कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो इंडिया टैप कर सकता है, तो उसमें से एक है कि इंडिया जो है फूड ग्रेन प्रोवाइड कर सकता है उन नेशंस को जो कि इंपोर्ट किया करते थे फूड ग्रेन को फ्रॉम रशिया एंड यूक्रेन। तो उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो पीयूष गोयल ने कहा है कि हम ये सारी चीज़ें बाहर की कंट्रीज़ को प्रोवाइड करने को तैयार हैं, इंक्लूडिंग स्टील, एल्यूमिनियम, फार्मास्यूटिकल्स। तो इंडिया इज़ रेडी टू हेल्प अदर नेशंस, ऐसा कहा जा रहा है। इसके अलावा काफ़ी सारे अग्रीमेंट्स जो हैं अभी साइन हुए हैं, तो इसके बारे में जब उनसे क्वेश्चन किया गया तो उन्होंने बोला कि जो भी कंट्रीज जल्दी जल्दी रिप्लाई करती है, टच में रहती है, उनको फ़ायदा हुआ है और वो इस चीज़ के लिए ओपन है। अगर और कंट्रीज आके उनके साथ एग्रीमेंट करना चाहती है, कमोडिटीज़ को ड्यूटी फ्री एक्सेस दिलाना चाहती है, तो वो उन सारी चीज़ों के लिए रेडी है।
नेक्स्ट इज इंडियाज मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट सेट अ रिकॉर्ड हाई ऑफ $418 बिलियन. तो ये हमने काफ़ी टाइम से देख ही रहे हैं और इन्होंने फाइनली अपना टारगेट जो है अचीव कर लिया है और एक्सपोर्ट्स जो है रिकॉर्ड हाई गया है इन फिस्कल ईयर 2022. नेक्स्ट इज इंडिया ऑस्ट्रेलिया ट्रेड पैक्ट, ये हम अभी देखेंगे नेक्स्ट में इन डिटेल में. टेस्ला डिलीवरीज राइज इन व्हाट मस्क कॉल्ड डिफिकल्ट क्वार्टर. तो क्वार्टर जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट रहा था और वॉल स्ट्रीट ने जितनी एक्सपेक्टेशन रखी थी कि कार की सेल्स होगी उतनी नहीं हुई है क्योंकि कुछ सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन जो है टेस्ला को देखने को मिले थे उनकी वजह से. इसके बाद नेक्स्ट है इंडिया ऑस्ट्रेलिया पैक्ट रिजॉल्व्स आईटी फर्म्स डबल टैक्सेशन इशू. तो अभी जो है जो अभी क्लियर हुआ है अग्रीमेंट इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में उसकी वजह से डबल टैक्सेशन इशू को सॉल्व कर दिया गया है. यानी कि कुछ आईटी फर्म्स थी जो डबल टैक्स भर रही थी, यानी कि वो ऑस्ट्रेलिया में भी पे कर रही थी टैक्स और इंडिया में भी कर रही थी टैक्स. तो जब भी कोई कंपनी बाहर जाके सेटअप होती है तो यूजुअली क्या होता है, अगर वो वहाँ पे टैक्स पे कर देती है तो वो जो टैक्स है वो अपनी कंट्री में डिडक्टिबल होता है. जैसे अगर सोचो कि इंडिया में 30% टैक्स है, बाहर किसी कंट्री में 20% टैक्स है, तो अगर वो वहाँ पे ऑलरेडी कुछ 20% टैक्स दे चुकी होंगी तो इंडिया जो है उस पर कुछ डिस्काउंट दे देगा, यानी कि आपको दोबारा पूरे रेवेन्यू पे 30% पे करने की ज़रूरत नहीं होगी. जबकि आईटी फर्म्स क्या थी, उनको ऐसा करना पड़ रहा था, यानी कि वो वहाँ पे भी टैक्स दे रही थी यहाँ पे भी टैक्स दे रही थी. तो इसलिए डबल टैक्सेशन की वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा लॉस हो रहा था. उसकी फिगर भी इन्होंने बताई है, अराउंड $1 बिलियन जो है जा रही थी टैक्सेस में. तो अब ये वहाँ से जो है अपनी कॉस्ट सेव कर पाएंगे. यहाँ पे कुछ इंडियन आईटी फर्म्स भी जो है आप देख सकते हो, जैसे कि इन्फोसिस, विप्रो, टाटा कंसल्टेंसी, इनको डबल टैक्सेशन की वजह से प्रॉब्लम हो रही थी और जो अब जो है वो सॉल्व हो जाएगी. और ये जो है, ये जो इशू सॉल्व हुआ है ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा इन 4 मंथ्स, ऐसा कहा जा रहा है. नेक्स्ट इज गवर्नमेंट मेड पीक स्पेशलिटी स्टील PLI स्कीम. तो गवर्नमेंट ने इसको दोबारा ओपन कर दिया है. वैसे ये 29 अप्रैल को इसकी लास्ट डेट, 29 मार्च को लास्ट डेट थी, बट अब ये 30 अप्रैल तक जो है एक्सटेंड कर दी गई है क्योंकि गवर्नमेंट कुछ इसमें और ज़्यादा एडिशनल इन्वेस्टमेंट बढ़ावा देना चाह रही है. तो उसकी वजह से इन्होंने वापस ओपन कर लिया है. और इसकी वजह से कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जिन पे इम्पैक्ट पड़ेगा वो आप देख सकते हो, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रिकल, डिफेंस एंड पाइप्स. ये सारी चीज़ जो है ये सारी जो है ये यूज़ करती हैं इस स्टील को, स्पेशलिटी स्टील को. तो इन पे जो है इम्पैक्ट पड़ेगा. नेक्स्ट इज द रिजर्व बैंक फिस्कल कॉनंड्रम. तो रिजर्व बैंक को क्या प्रॉब्लम हो रही है कि गवर्नमेंट ने बोला है कि मैं बोरो तो करूँगा. अब गवर्नमेंट बोरो करेंगे, इंटरेस्ट रेट्स हाई जा रहे हैं, तो यानी गवर्नमेंट की बोरोइंग काफ़ी ज़्यादा हाई इंटरेस्ट रेट्स पर हो रही है, उनको काफ़ी ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है. तो यूजुअली हमने कल भी देखा, RBI जो है इसके लिए क्या करती है, ओपन मार्केट ऑपरेशन लेके आती है. अब क्योंकि सप्लाई तो है, डिमांड नहीं है, इसलिए इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है. तो RBI जो है डिमांड भी बढ़ा देती है जिसकी वजह से इंटरेस्ट जो है कंट्रोल में आ जाता है. पर RBI ऐसा नहीं कर रही क्योंकि RBI जो है अगर डिफेंड करना चाहती है रुपी को, अगर वो डिफेंड करती है तो इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ जाएंगे. तो उसको रुपी को भी डिफेंड करना है और गवर्नमेंट को भी हेल्प करनी है और दोनों चीज़ इकट्ठे हो नहीं सकती. इसलिए शायद कहा जा रहा था कि RBI जो है इंटरफेयर नहीं करेगी. यूजुअली वो OMO के थ्रू इंटरफेयर करती है, लेकिन इस बार RBI OMO के थ्रू इंटरफेयर नहीं करेगी क्योंकि उसको इंटरेस्ट रेट्स जो है उन क्योंकि उसको जो है रुपी की वैल्यू को भी डिफेंड करना है इसलिए. तो इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, FPIs withdraw 41,000 crore इन मार्च ऑन फियर्स ऑफ फेड रेट हाइक. तो इस न्यूज़ में बताया जा रहा है कि अराउंड ₹41,000 करोड़ जो है वो यहाँ की इकोनॉमी से निकल गया है क्योंकि फेड रेट ने जो है अपने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए हैं. और इसके अलावा क्रूड प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है. तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा आपको आउटफ्लो देखने को मिल रहा है और सिर्फ इक्विटी मार्केट से ही नहीं, जो डेट से है वो भी आपको आउटफ्लो देखने को मिल रहा है. तो इसके आप मेन दो रीज़न आप कह सकते हो, वैसे तो यहाँ पे काफ़ी सारे मेंशन है, क्रूड प्राइसेस, इन्फ्लेशन और बहुत सारी, बट सबसे इम्पॉर्टेंट क्या आ जाता है, जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट ऐसा है. तो उसकी वजह से लोग जो है अपनी ही कंट्री में इन्वेस्ट करना ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं या फिर स्टेबल इकोनॉमीज में प्रेफर कर रहे हैं जो कि हैं US. इंडिया तो अभी भी डेवलपिंग है, US जो है वो स्टेबल है, ऑलरेडी डेवलप्ड है, तो वहाँ पे ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं. इसकी वजह से आपको आउटफ्लो जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है. बाकी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको भी आपको ऐसे ही देखने को मिल रहा है कि अपार्ट फ्रॉम इंडिया जो बाकी इमर्जिंग मार्केट्स हैं जैसे कि ताइवान, साउथ कोरिया,
वहाँ पे भी FPI आउटफ्लो हो रहा है, यानी कि पैसा जो है ज़्यादातर स्टेबल या डेवलप्ड इकोनॉमीज की तरफ मूव कर रहा है, इसलिए यहाँ पे आउटफ्लो देखने को मिल रहा है। इसके अलावा इंडिया विल हेल्प एनी नेशन, ये हम जब बात कर रहे थे कि पीयूष गोयल कैसे कैसे इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं, तो उन्होंने ये बोला है कि हम दूसरे नेशंस को सप्लाई करने के लिए तैयार हैं, चाहे उनको फूड ग्रेन चाहिए हो या फार्मास्यूटिकल्स चाहिए हो, वीट चाहिए, मेडिसिन चाहिए, तो वो रेडी हैं, हैप्पी हैं सप्लाई करने के लिए इनको सपोर्ट। तो सिर्फ यही नहीं, एक अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप रिलेशंस भी बेटर बना सकते हो और अपनी खुद की इकोनॉमी भी और ज़्यादा रोबस्ट बना सकते हो। और इसके अलावा जब बात चल रही थी वाइन की कि ऑस्ट्रेलिया जो है यहाँ पे वाइन का एक्सेस उनको मिल गया है, ड्यूटी फ्री एक्सेस, यानी कि उनकी ड्यूटीज़ काफ़ी ज़्यादा घट गई हैं, तो उसके बाद इन पे क्वेश्चन किया जा रहा था कि यहाँ की वाइन इंडस्ट्री को फ़र्क पड़ेगा, तो वो कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ की वाइन जो है वो अलग है, वहाँ की वाइन अलग है, और हम यहाँ की वाइन इंडस्ट्री को भी बढ़ावा दे रहे हैं, और वो भी है, हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स उसमें एम्प्लॉयड हों और वहाँ पर भी एक्सपेंडिचर बढ़ जाए, तो ये इनका जवाब रहा है। इसके अलावा इन्होंने ये भी पॉइंट आउट किया है कि जो जो कंट्रीज थी जिन्होंने अग्रीमेंट हमसे जल्दी कर लिया है, जैसे कि यूएई, उनको फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिला है, उनको हमारी मार्केट में एक्सेस मिला है, तो ऐसे ही वो इनकरेज करना चाहते हैं इन सारी चीज़ों को बता के कि और ज़्यादा कंट्रीज हमारे पास आए, हमारे साथ एग्रीमेंट करें, ताकि उनको भी हमारी मार्केट में एक्सेस मिले और हमें भी फ़ायदा हो, और इंडिया जो है ग्रेट प्लेस है अगर आप हमारा यहाँ से हमारे पास वर्क करना चाहते हो। इसके अलावा श्रीलंका की, जब हमने अभी देखा ही था कि श्रीलंका में मिलिट्री ऑपरेशंस डिक्लेयर कर दिए गए थे, क्योंकि इनका जो टूरिज्म था वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ कोविड में, जिसकी वजह से इनके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है बहुत कम हो गए थे। अगर आपको इसके बारे में डिटेल में देखना है तो टॉप राइट कॉर्नर में आपके पास लिंक आ रहा होगा, आप जाके देख सकते हो, उसके ऊपर मैंने काफ़ी डिटेल किया है कि विल श्रीलंका गो बैंक्रप्ट, तो उसके सारे स्टेप्स मेंशन है कि क्या क्या कैसे कैसे जो है चीज़ें हुई वहाँ पर। तो फाइनली क्या हो रहा है कि पब्लिक को बहुत ज़्यादा कमोडिटी प्राइसेस इंक्रीज फेस करने पड़ रहे हैं, उनको हर चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी मिल रही है, तो उसकी वजह से वो कह रहे हैं कि लिविंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है, तो वो प्रोटेस्ट करने वाले थे, और उस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए जब कुछ लिया गया, जो स्टेप लिया गया, और वो स्टेप क्या था, उन्होंने सोशल मीडिया को जो है उनका यूजेज कम कर दिया, कर्व कर दिया, तो उसकी वजह से आने वाले टाइम में शायद और ज़्यादा टेंशन एस्केलेट हो सकती हैं, क्योंकि पब्लिक जो है बहुत ज़्यादा पीसफुली डेमोन्स्ट्रेट कर रही थी कि वो किस किस चीज़ से परेशान है, और सोशल मीडिया पे कर्व लगा देना शायद उनको और ज़्यादा अपसेट कर जाए। तो आज के न्यूज़पेपर में बस इतना ही, अगर आपको हेल्प हुई हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।